पिछले लगभग 2.5 दशक से भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर बहस चल रही है। ये सर्वमान्य है कि दो राष्ट्रों या राज्यों या पक्षों के संघर्ष के बाद विजेता पक्ष अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। अक्सर पराजित पक्ष की कई पीढ़ियां इसी विकृत इतिहास को पढ़कर एक आत्मविश्वास विहीन समाज के रूप में अर्ध विकसित होती है। भारत के मामले में भी यही हुआ। प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया है। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए साहसपूर्ण एवं सशक्त समीक्षा शक्ति अपेक्षित है। वो भारतीय इतिहासकार अभी बहुत समय तक नहीं दे पाएंगे। थॉमसन और जीटी करार द्वारा रचित पुस्तक द राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया की समीक्षा करते हुए सर फ्रेडरिक वाइट ने 25 जून 1934 को अंग्रेजी प्रकाशन द स्पेक्ट्रेरर में अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास पर किए गए लेखन के बारे में एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ज्यादातर भारतीय इतिहास या तो ब्रिटिश शासन को उचित ठहराने के नजरिए से लिखा गया है या फिर उसमें कुछ खास लोगों की शान में कसीदे पढ़े गए हैं। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज हिस्ट्री जैसी मानक कृतियों को भी निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। असल में जो लिखा जा रहा है उसमें अधिक ब्रिटिश स्रोतों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए निष्पक्ष बने रहने की संभावना नहीं है। आधुनिक काल में भारतीय इतिहास को विकृत करने की नींव सर विलियम जोन्स ने डाली। सच्चाई ये है कि भारतीय इतिहास को विकृत करने में दो लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, सर जोन्स और मैक्स मूलर। विडंबना यह है कि दोनों को हमारे यहाँ विद्वानों का एक बड़ा वर्ग महापुरुषों की श्रेणी में रखता है। सर जोन्स कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कोलकाता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थे। मैक्स मूलर ब्रिटिश सरकार का एक कर्मचारी था और उसे संस्कृत से अनुवाद करने के लिए सामान्य अनुवादकों से कई गुना ज्यादा राशि दी जा रही थी। 9 दिसंबर 1867 को मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को पत्र में लिखा, मुझे विश्वास है कि मैं संभवतः वेदों के अनुवाद के संस्करण प्रकाशित होने तक जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे काम का भारत और इनके लाखों निवासियों के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव होगा। वेद उनके धर्म का मूल और उन्हें इसकी असलियत दिखाकर पिछले 3000 साल में जो कुछ भी इससे निकला है उसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है। ये तथ्य हमारे सामने है, इसके बावजूद क्या हम अपनी मौजूदा और भावी पीढ़ियों को एक ऐसा विकृत इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो और हमें आत्मगौरव नहीं बल्कि झूठी आत्मग्लानी से भर देता हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।